ठीक है। अब इसमें स्टार्ट जो हमने करना है वो डिफरेंट फॉर लूप के प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उन्हीं फॉर लूप के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे वाइल लूप के अंदर। फॉर लूप के लिए सबसे पहले फाइल पे आ जाएं, न्यू प्रोग्राम बना लें, फुल साइज कर दिया इसको मैंने। हेडर्स फाइल आप हैश इंक्लूड iostream.h लगा दें। दूसरी फाइल हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए। फंक्शन बना लें वाइड मैन नाम का, फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट कर लिया। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। अब ये प्रोग्राम जो बनाना है, मैं कहता हूँ प्रोग्राम की स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। वालेकुम सलाम। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, क्या आपने सम डिस्प्ले करने हैं पहले 10 नंबर्स का। प्रोग्राम स्टेटमेंट आ गई यूजिंग फॉर लूप, कि फॉर लूप को यूज करते हुए। अब ये प्रोग्राम स्टेटमेंट के बाद ये चीज राइट नहीं करनी आपने प्रोग्राम के अंदर, ये तो स्टेटमेंट है जो आप मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ फॉर लूप लगा दी, इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लिया। स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटीजर आई अपनी तरफ से। ये वो वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल करेगा। इंट आई उसका नाम है। स्टार्ट होगा 1 से, सेमी कॉलन कहाँ तक, पहले 10 इंटीजर का, लेस देन आर इक्वल टू 10, कि लूप हमारी स्टार्ट होगी 1 से, लूप एंड होगी 10 के ऊपर। और फिर लूप में अगले स्टेप के लिए पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, तो आई प्लस प्लस करेंगे। ये यूनरी ऑपरेटर है जो इसमें सिंगल इंक्रीमेंट करेगा। अब इसका फिर बना लेते हैं ब्लॉक। काम क्या करना है, सम निकालना है। तो सम तो हमने वेरिएबल डिफाइन करना होगा। मैंने इधर सम नाम का वेरिएबल इंटीजर सम ले लिया, और सम को स्टार्ट कर लिया 0 से। सम के पास इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब सम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लूप के ब्लॉक पे आ जाए। मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम की ओल्ड वैल्यू प्लस उसमें वैल्यू कौन सी ऐड करनी है, आई वाली। फर्स्ट आइटरेशन जब चलेगी, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो यहाँ पे आके सम की ओल्ड वैल्यू, सम में पुरानी वैल्यू क्या है, 0, 0 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो सम के पास स्टोर हो जाएगा 1। अगली आइटरेशन आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस जो सम की पुरानी वैल्यू, इससे पुरानी वैल्यू सम की क्या थी, 1, तो 1 में 2 ऐड होके 3 हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते ये नंबर क्या हो रहेंगे, रिपीटेडली वो ऐड होंगे। जब लूप खत्म हो उसके बाद हम कहते हैं कि इनकी वैल्यू शो करनी है, सी आउट सम इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू, लेस देन का सिंबल सम की वैल्यू, और उसके बाद एंड ऑफ लाइन। गेट सी एच लगा दें और टॉप पे क्लियर स्क्रीन लगा दें। इसमें क्लियर स्क्रीन पहले नहीं लिखा सकते, किस तरह पहले से लिख सकते थे, मैंने अभी लिख दिया, पहले लिखा नहीं था। कंपाइल कर लें, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट करें। अब पहले 10 नंबर का जो सम बनता है वो 55 है। अब आप कहते हैं कि हर स्टेप में मुझे पता चले कि वो सम कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हर आइट्रेशन में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सम जो हमारे पास है, एक तो था कि लूप के बाद मैंने शो किया। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके एडिट पे जाएं, कट करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। एडिट पे जाए, पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, पहली बार वो जब सम कैलकुलेट करेगा सम शो हो जाएगा। पहली इटरेशन में सम की वैल्यू क्या होगी, सम की ओल्ड वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे तो सम का रिजल्ट क्या होगा, 1। नेक्स्ट इटरेशन में 1 प्लस 2 करेंगे तो रिजल्ट होगा 3। तो हर इटरेशन में शो करना है, लूप के अंदर रखना है। पहले नंबर पे सम 1 आ गए, दूसरे नंबर पे 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 प्लस 5 15, तो पुरानी वैल्यू उसमें जमा होती जा रही है, समझ गए। तो ये हमारे पास सम होगा इन सब नंबर्स का। अब कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं, इस प्रोग्राम को फाइल पे जाएं, ठीक है। फिर इसी में यहाँ पे एक और प्रोग्राम क्रिएट कर लें, इसको सेव कर लें, इसको नाम दे दिया मैंने
फॉर लूप का प्रोग्राम नंबर 2 डॉट सी प्लस प्लस।